कॉन्सोनेंट साउंड होते कौन कौन से हैं ये हमने पढ़ा। वॉवल्स जो होते हैं वो 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट 24 होते हैं, ऐसा हो गया। अब कॉन्सोनेंट साउंड की डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। ए कॉन्सोनेंट मे बी डिफाइन एज अ साउंड इन द प्रोडक्शन ऑफ विच फर्स्ट वी मेक द एयर पैसेज पार्शली आर कम्प्लीटली क्लोज्ड बाय स्टॉपिंग द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स एंड देन वी रिलीज। इसमें ये कहता है कि कॉन्सोनेंट को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है कि जिन अल्फाज के प्रोडक्शन में वी फर्स्ट मेक द एयर पैसेज, हम सबसे पहले जो हमारे एयर पैसेज है पार्शली आर कम्प्लीटली उसको मुकम्मल तौर पर या थोड़ा सा, कम्प्लीटली मुकम्मल या थोड़ा सा क्या करते हैं, क्लोज्ड, उसको क्लोज कर लेते हैं बाय स्टॉपिंग द मूवमेंट ऑफ द एयर, जो एयर जो लंग्स से लेकर बाहर निकलने वाली आवाज पैदा करने में जो मदद करती है उसको क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, जो आवाज आती है वो स्टॉप, जो एयर होती है वो स्टॉप होती है फ्रॉम द लंग्स एंड देन वी रिलीज इट, और फिर हम उसके क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। बस इसकी यही डेफिनेशन कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास प्लोसिव है, जो वॉवल आ रहे हैं। प्लोसिव का मतलब होता है स्टॉपिंग, रुकना, रोकना। देयर आर 6 प्लोसिव इन इंग्लिश, 6 प्लोसिव इंग्लिश है। दीज आर ऑफ 3 टाइप, और इनकी कितनी टाइप है, 3 है। एक बाइलेबियल प्लोसिव, दूसरा एलोवेलियर प्लोसिव और तीसरा वेलियर प्लोसिव। अब बाइलेबियल प्लोसिव क्या होता है, कहते हैं बी एंड पी एंड बी आर टू बाइलेबियल प्लोसिव। पी जो है जिसको हम इंग्लिश में, ब्रिटिश में फी कहते हैं और बी को भी कहते हैं, तो वो वाला फी। और बाद दफा इसको फोनेटिक्स वाले जो कहते हैं वो इस तरह प्रोनाउंस करते हैं, फा एंड भा, ठीक हो गया। ये फोनेटिक्स में इस तरह बाद दफा बिल्कुल ही क्लोज मुंह करके करते हैं, फी एंड बस, ठीक हो गया। द एयर इनिशियल साउंड इन द वर्ड फैन, ये फैन को फिर नीचे उसको लिखा हुआ है फोनेटिक्स में। एंड बैट, बैट, ये बैट की और जो पेन की इब्तदाई वॉइस है दोनों एक सीक्वेंस के साथ जो है, यानी फी जो है वो फैन की आवाज है और बैट में बी की आवाज है। इन देयर प्रोडक्शन, इनकी जो प्रोडक्शन है फास्टली, पहले द ईयर पैसेज इज क्लोज्ड, ईयर जो है जो लंग से आ रही है वो क्लोज हो रही है, कहां पर हो रही है, बाय द बोथ ऑफ अवर लिप्स, कहां पर आके, लिप्स पे। बोले, प्रैक्टिस करें आपको पता चलेगा। बी और फी की वॉइस में क्या होता है कि सबसे पहले द एयर पैसेज, जो पैसेज है एयर की, इज क्लोज्ड बाय द बोथ ऑफ अवर लिप्स। आप इसको रियल अभी बैठे भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक हो गया। सॉफ्ट प्लेट इज राइज्ड टू शट ऑफ द नेजल पैसेज, जो सॉफ्ट प्लेट है, जो हमारा तालू है, वो क्या करता है, राइज हो जाता है। किस लिए, कि नेजल पैसेज जो आवाज क्रिएट करने के लिए, अगर ओपन होगा तो वो नाक से आवाज पैदा होगी, अगर ओपन नहीं है, राइज हो गया है हमारा जो तालू है, तो वो क्या होगा, उसको बंद कर देगा और जो आवाज होगी वो डायरेक्ट मुंह से आएगी। व्हेन वी ओपन अवर लिप्स, जब हम अपने लिप्स को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द सडन रिलीज ऑफ द एयर, साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है रिलीज से। ये बचपन में, शुरू में पढ़ा दिया जाए ना कच्ची पक्की में, तो कभी हमारा ये मसला नहीं आएगा। हमें ये पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश पढ़ने के बाद, अगर आप कहें कि पेन नहीं है, पेन है, इसका मतलब है हमने हमारे जो पीछे जो बेड़ा घर के पीछे शुरू से हो गया है। क्यों उड़ाएंगे, कितने दिन उड़ाएंगे, अगर आप फुफ्फो को, जब फुफ्फो कहते हैं तो कोई मजाक आपका उड़ाता है, अब ठोकर को क्या, अब हम कहते हैं टीवी, वो कहते हैं टीवी है, ते बोतल, वो कहते हैं ते कहाँ पे, हमारे इधर डिक्शनरी में ते हमें ढूंढ के दे। हमारे अल्फाज का ऐसा बिगाड़ पाकिस्तानी और इंडियन ने किया है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये हमारे अल्फाज हैं, कहीं और मुल्क के, किसी और लैंग्वेज के। बोतल, टीवी, ठी ठी ठे की आवाज आएगी, टी टे की आवाज इंग्लिश में नहीं होती, पे की आवाज इंग्लिश में नहीं होती, फे होता है,
और ये पांच फोनेटिक्स की ये पांच चीजें हैं जो आपको लैंग्वेज कोर्स में समझाई जाती हैं आपका एक्सेंट ठीक करवाने के लिए, बाकी आपका सारा एक्सेंट 95% ठीक ही हो। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गया। हमने सडन रिलीज किया तो हमारे जब होंठ खुले वॉइस पी एंड बी जो वो रिलीज होते, द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट इन द केस ऑफ बी। वाइब्रेट कब पता चलेगा कि जब हम बी बोलेंगे, यहाँ पर हाथ रखें अपने क्लोज को बी बोलेंगे तो ये थोड़ा सा इसमें वाइब्रेट होगी, ये जो हमारा लैरिंग्स है ठीक हो गया। और जब ई बोलेंगे तो यहाँ पर हमें वाइब्रेशन नहीं मिलेगी, वोकल कॉर्ड भी है और इनके ऊपर थोड़ा सा लैरिंग्स है, वाइब्रेशन होगी तो वो वॉइस वर्ड हो गया, और जिनमें वाइब्रेशन नहीं होगी वो वॉइसलेस होंगे। तो इसलिए बी जो है वो वॉइस है और फी जो है वो वॉइसलेस है। प्लोसिव इसमें कौन कौन से, था एंड ढा, था एंड ढा। अच्छा जी, था एंड ढा, अब था एंड ढा इसको फोनेटिक्स में कहते हैं, आ एलोवेलर प्लोसिव, ये एलोवेलर प्लोसिव है, प्लोसिव की दूसरी किस्म है। दे आर द इनिशियल साउंड्स इन द वर्ड्स चीप एंड डीप, ठीक हो गया, ये इनिशियल साउंड है, इब्तदाई वॉइस है। इन देयर प्रोडक्शन द एयर पैसेज इज क्लोज्ड बाय द टचिंग द टिप ऑफ द टंग। अब टिप ऑफ द टंग जो जुबान का फ्रंट वाला हिस्सा है, जो टिप है, ठीक हो गया। अब टिप ऑफ द टंग किसके साथ टच करता है, विद द अपर टीथ रिज, बोले और एक्सपीरियंस करें अपने आप, कहां पर अपर टीथ पर जाती है आपकी टिप ऑफ द टंग, ठी बोले कहां पर जा रही है, टिप ऑफ द टंग, इसको चेक नहीं करना अपनी, ये टिप ऑफ द टंग को चेक करना कहां पर जा रही है, ठी बोले और ढी बोले, ढीठ बोल दे, हाँ रिज तक जा रही है, दांतों तक, तो बस ये इसी तरह आपने एक्सपीरियंस करता जाना और लिखते जाना है, ठीक हो गया। जो जो जैसे जैसे आपको महसूस हो वैसे वैसे आपने लिखते जाना है। सॉफ्ट प्लेट इज राइज, क्योंकि इसमें भी सॉफ्ट प्लेट राइज होगी, सिर्फ डाउन कहां पर होगी, जब नेजल वाइज होंगे, इसके अलावा कहीं भी सब में सॉफ्ट प्लेट राइज होगी। सॉफ्ट प्लेट इज राइज टू शट ऑफ द नेजल पैसेज, इसको भी सॉफ्ट प्लेट क्या करते, शट ऑफ कर देती, बंद कर देती। As we remove the tip of the tongue, जैसे ही हम remove करते हैं अपनी जबान को वहां से हटा देते हैं, कहां से, bridge से, from the ridge sound is produced by the sudden escape of the air, जो पीछे से आवाज का pressure होता है, जैसे वो बाहर निकलता है तो हमारी आवाज जो होती है इसकी जो है वो निकल। D is voiced while T is voiceless. Velar plosive K and K. अब K कौन सा, K जो जिसे हम K कहते हैं, ये असल में खे होता है, घे होता है, जी जिसको हम पढ़ते हैं, ये क्या होता है इंग्लिश में, घे, वो घे घाफ वाली और दो चश्मे। दे आर द इनिशियल साउंड इन द वर्ड्स खाइट, ठीक हो गया, एंड गेम। In their production, firstly the air passage is closed by the pressing the back of the tongue against the soft plate. हमारा soft plate के साथ जो tongue का निचला हिस्सा है, वो back वाला आखिरला हिस्सा होगा ना? नहीं, दरमियान से भी पीछे। Tip और blade के पीछे वाला हिस्सा। जो tip से और tip of the tongue, फिर blade से और उससे भी पीछे वाला जो back वाला हिस्सा है, वो अब क्या करता है? Soft plate के साथ attach हो जाता है। वैसे एक एक्सपीरियंस कर लें, खे आपकी जो पिछली जो जुबान है वो ऊपर जुबान को ऊपर वाला हिस्सा चला जाता है, खे बोलते हैं, आवाज स्टॉप होती है फिर खे, ठीक हो गया। सॉफ्ट प्लेट इज राइज टू शट ऑफ द नेजल पैसेज एज द बैक द टंग इज रिमूव फ्रॉम द सॉफ्ट प्लेट द एयर कम्स आउट बाय प्रोड्यूसिंग द सडन वॉइस। बड़ी तेजी के साथ क्या होती है, वॉइस जो है वो रिलीज होती है। खे इज वॉइसलेस एंड घे इज वॉइस्ड because of the vibration of the vocal cords, clear ho gaya ji। ab ye jo 6 plosive hai ye khatam ho gaya, theek ho gaya। ab baki reh gaya nasal, nasal sound kaun si hoti hain, there are 3 nasal sounds in English, bilabial nasal, alveolar nasal aur velar nasal। ab bilabial nasal kya hota hai, e, ab m nahi padhenge, english wale e ko khatam kar dete hain bas, e n is bilabial nasal sound, this is the initial sound in the word of mood। ab mood usne aage kiya bhi hua hai, transcribe bhi kiya hua hai phonetics mein। in its production mouth is completely closed by the two lips, experience kare sath hi practical kare, un ko produce karke un
टू लिप्स के साथ क्या हो गया हमारी वॉइस, ईयर जो है वो क्लोज हो गई, एम नहीं पढ़ते, एम इज बाइलेबियल नेजल साउंड। हम ओरिजिनल तरीके से पढ़ लेते हैं अगर मुश्किल आ रही है तो, दिस इज द इनिशियल साउंड, हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में नहीं पढ़ते, पाकिस्तानी इंग्लिश मीन्स दिस इज इनिशियल साउंड इन द वर्ड ऑफ मूड इन इट्स प्रोडक्शन। माउथ इज कम्प्लीटली क्लोज बाय द टू लिप्स, टू लिप्स के साथ क्या हो जाती है, माउथ क्लोज हो जाता है। सॉफ्ट प्लेस इज लोवर्ड, अब तब्दीली आने शुरू हो गई है, क्या आई है, कोई नजर आई है, वही चीज पहली वॉइस में बाइलेबियल में वहां पर क्या हुआ था, माउथ क्लोज हो गया था थी एंड, और कौन सी वॉइस थी, भी में, यहां पर भी बाइलेबियल में क्या हो गया, एम की आवाज में क्लोज हो गया। सॉफ्ट प्लेट वहां पर राइज हुई थी, यहां पर शट डाउन हो गई, ताकि शट डाउन इसलिए हुई कि नेजल पैसेज से हमारी वॉइस जो एयर है वो गुजरे और नेजल से हमारी वॉइस जो है वो इन्वॉल्व। सॉफ्ट प्लेट इज लोअर टू अलाउ द एयर टू पास थ्रू द नोज, इट इज वॉइस्ड साउंड, क्या है, वॉइस साउंड। अब एलिवेलर नेजल क्या होता है, इसमें ठीक हो गया, जैसे नेम में एन हमारे पास, नेम नहीं हमने पढ़ा पूरे का पूरा, अच्छा जी, इट इज द इनिशियल साउंड इन द वर्ड नेम, नेम की जो इनिशियल साउंड है नेम, मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। इन इट्स प्रोडक्शन द एयर पैसेज और माउथ पैसेज इज कम्प्लीटली क्लोज बाय द प्रेसिंग ऑफ द टिप ऑफ द टंग अगेंस्ट द अपर टीथ रिज, वही वाली बात जो पीछे हमने रिपीट कर दी है, वहां पर भी एलिवेलर में क्या हुआ था, टिप ऑफ द टंग जब ब्रिज के साथ क्या हुआ था, उसका कनेक्शन हुआ था, अच्छा जी हाँ। द सॉफ्ट प्लेट इज लोवर टू अलाउ द एयर, सॉफ्ट प्लेट को क्या करते हैं, अलाउ कर देता है, सॉफ्ट प्लेट शट डाउन हो जाता है टू एयर टू एस्केप थ्रू द नोज, ताकि जो एयर है वो माउथ में ना जाए बल्कि नोज के जरिए चली जाए। ये है आई एन जी, जिसको इंग हम पढ़ते हैं, हम तो बड़ा कंफर्म करके पढ़ते हैं, इंग प्लेइंग किंग, तो हमने क्या करना, जोर लगाना होता है इसका ताकि पता चले, लेकिन वो कहते फ्लेइंग फ्लेइंग, बस यहां पर आई एन जी क्लियर नहीं उनके होते, अच्छा जी इंग, ये कौन सी इंग, वैसे इंग है लेकिन इंग इंग बस जी नहीं पढ़ना इसके साथ, हाँ कंप्लीट नहीं करना, इन इंग इज द वेलर नेजल साउंड, वही जो हमने तीसरा पढ़ा है और इसके यहाँ पर सिर्फ नेजल आ गया, बाकी वही चीजों में। इन इंग्लिश इट इज यूज्ड आइदर आइदर, या तो ये इस्तेमाल होता है इन द मिडल, लफ्ज के दरमियान में इस्तेमाल होता है, और एट एंड ऑफ द वर्ड या एंड में होता है, बट इट इज नेवर कम्स एज एन इनिशियल साउंड ऑफ एनी वर्ड, किसी भी वर्ड में ये इनिशियल साउंड यूज नहीं होता। ये सारी की सारी आप डिटेल ना भी लिखें तो कोई लाजमी नहीं, क्योंकि शॉर्ट करने के लिए इट इज लास्ट साउंड इन द वर्ड सिंग, यहां से शुरू कर सकते हैं आप लोग। माउथ इज कम्प्लीटली क्लोज्ड बाय द प्रेसिंग द ब्लेड ऑफ द टंग, वही तीसरे में वहां पर भी ब्लेड ऑफ द टंग उभरा था, उसको नोजल को क्या करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, लेकिन यहां पर क्या करता है, ब्लेड ऑफ द टंग अगेंस्ट द सॉफ्ट प्लेट, ये सॉफ्ट प्लेट के साथ लग जाता है, सॉफ्ट प्लेट इज लोवर्ड हो जाती है, और फिर क्या होता है, लोवर टू अलाउ द ईयर टू एस्केप थ्रू नोज, ताकि जो हमारी वॉइस है वो नोज के जरिए चली जाए, नेजल भी अब कंप्लीट हो गया।